हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी। शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानातिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो मैं जरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। हम लोगों ने 11वें श्लोक तक कल समाप्त किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है क्योंकि 9वें श्लोक में कहा गया था कि केवल जो परम अच्छा है सभी जीवात्माओं के लिए आप वही बताना। और 10वें श्लोक में जो है वो कलयुग के लोगों के क्या लक्षण है वो बताया था। और 11वें श्लोक में दूसरा प्रश्न आया था कि सभी ग्रंथ धर्म ग्रंथों का सार चुने, क्योंकि ये सारे जो नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि है वो श्रीसूत गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं। तो 6 प्रश्नों में से तो फिर दूसरा प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि सभी धर्म ग्रंथों का जो भी सार है वो चुने, जिससे जो वो ऋषि मुनि है उनका हृदय जो है यह पूर्णतया संतुष्ट हो सके। और हम लोग ने कल यहाँ पे विराम दिया था, तो आइए हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। और फिर जो है 12वें श्लोक में जो है तीसरा प्रश्न आता है। कहते हैं कि भगवान जो है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं ना, मैंने शेयर नहीं किया है, सॉरी, आई एम सॉरी। तो 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो जो सभियों के लिए भगवान क्यों अवतरित होते हैं देवी की और वसुदेव के गर्भ में। तो आइए देखते हैं। सुत जानासि भद्रम ते भगवान सातताम पति देव क्या वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। कहते हैं कि भगवान जो है वो सातोताम पति है। तो सातोताम कौन है? सातोताम माने शुद्ध भक्त जो है, और पति यानी रक्षक जो सभियों के पति है भगवान श्री कृष्ण है, और वो क्या है? सभियों के रक्षक है। और फिर किसकी रक्षा करने आए थे? देवकी और वसुदेव की। तो आइए हम लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। पायल लता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूं।
पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तात्पर्य, भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वकों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो, मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकव्य होता है। हरे कृष्ण। प्राकत्तव्य प्राकट्य होता है। सही होता है। यस यस हरे कृष्ण। जी, थैंक यू। तो ये जो है, इनकी जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये उत्सुकता है। एक जो है श्रोता की यही उत्सुकता होती है कि उसको सुनना है, भागवतम सुनना है, भगवान के बारे में सुनना है। तो आगे इस वाले श्लोक में भी जो है श्रोता के बारे में ही में ही बताए, उनकी गुण ही बताए हुए हैं कि कैसे श्रोता गण जो है वो उत्सुक रहते हैं। तो कहते हैं कि तन सुश्रुषमाणानं अहर्षि अंग अनुवर्णितं यस्य अवतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च। प्रिया माता जी, तुलसानी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तात्पर्य, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई है। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों के शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं, वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी श्रील व्यास देव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं, जो सत्य जानने के लिए लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण किए अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, अभिभाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों को जानने योग्य है जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश आध्यात्मिक अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो अभी इस वाले जो श्लोक में है, ये बता रहे हैं कि कैसे जो ये ऋषि मुनि है वो बहुत ही उत्सुक है। किस चीज के लिए वो लोग उत्सुक है? वो भगवान के बारे में सुनने के लिए वो उत्सुक है, और यही है योग्यता एक व्यक्ति की सुनने के लिए। तो कहते हैं ना कि आ, 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 जो सुनने वाला होता है उसकी कुछ योग्यताएं होती है। तो जैसे वो बहुत ही विनीत भाव में होता है। विनीत मतलब क्या? कि बहुत ही आदर देता है श्रोता को। जैसे नैमिषारण्य के ये जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया था, जैसे ही सूत गोस्वामी आते हैं तो उनको एक व्यास आसन के पे बैठने का एक स्थान दिया,
और उन्होंने उनसे बहुत ही विनीत भाव से जिज्ञासा की थी और बहुत ही उत्सुक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो सर्वोच्च जो है परम सत्य के बारे में जानना है, और वो बहुत ही जो है क्या कहते जिज्ञासु भी होते हैं। जिज्ञासु मतलब बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, और कहते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो सभीयों के लिए कल्याणकारी हो, और ये जो है ये अधिकारियों से सुनना पसंद करते हैं। जो अधिकारी नहीं है भागवतम का, उससे वो नहीं पसंद। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक विवेक दिया हुआ, एक बुद्धि दी गई है, जिसके माध्यम से हमें पता चले कि कौन है जो है वो प्रामाणिक है और कौन वो है प्रामाणिक नहीं है। जैसे आपको तुरंत ही पता चल गया कौन ढोंगी गुरु है और कौन प्रामाणिक गुरु है। तो इस बुद्धि से हमें ये जानना है। तो सुनेंगे तो सिर्फ जो है वो परंपरा में जो आ रहे हैं गुरु, उन्हीं से सुनेंगे। जैसे है चार प्रामाणिक संप्रदाय है। एक है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी से आ रही है, वो हमारे नीचे डाउन साउथ में है, दक्षिण में है ना। एक है रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी से आ रही है। एक है कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र है उनसे आ रही है, उनको चार कुमार कहा गया है। लेकिन ये जो संप्रदाय, ये दो संप्रदाय जो है रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय लुप्त तो हो गई, मतलब एकदम लुप्त सी ही हो गई है। और फिर आखिरी आता है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, जिस संप्रदाय में हम आते हैं। तो ये जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, ये जो है ब्रह्म माधव गौड़ीय, तो क्योंकि माधव ने ये ज्ञान पहले किसको दिया था? ब्रह्मा जी को दिया था। तो फर्स्ट जो पहला जीवात्मा है उनको दिया था। तो अब इन चार संप्रदायों में से जो कोई भी आएगा हम उन्हीं से सुनेंगे। बाकी टीवी पे कोई भी आ रहा है, या न्यूज में कोई आ रहा है, या सोसाइटी के अगल बगल में कोई आ रहा है, तो हमें स्तोत्र जानना चाहिए कि ये कौन से परंपरा में आ रहा है। वरना अगर हम ऐसे लोगों से सुनेंगे तो हमारा जो मन है वो दूषित हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बताएगा या बताएगी, वो बताएगा भ्रमित करने के लिए। और हम जो मासूम है वो भ्रमित हो भी जाएंगे, क्योंकि जीव को क्या लगता है कि चलो मुझे ये कष्ट है तो जल्दी जल्दी इसका निवारण हो जाए, मुझे ये प्रॉब्लम है तो शायद मैं इसके पास जाऊँ तो जल्दी जल्दी निवारण हो जाएगा। लेकिन आप कहीं भी जा लो, जो आपके प्रारब्ध कर्म है ना, जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे तब तक हमारे प्रारब्ध कर्म नहीं कटेंगे। प्रारब्ध कर्म काटने का जो उत्तरदायित्व है, या जो क्षमता है, या जो पावर है, वो सिर्फ भगवान में है, बाकी किसी में नहीं है। तो हमारे जो कर्म है वो तो हमें भोगने हैं, लेकिन हाँ भगवान के पास ऐसी शक्ति है कि अगर हम प्रामाणिक तरीके से उनकी भक्ति करते हैं तो हमारे जो भी कर्म है वो बीज रूप से जलाकर राख कर सकते हैं। ये है भगवान का पावर। तो बाकी किसी मनुष्य में या किसी देवी देवता में ये पावर नहीं है, सिर्फ ये पावर किसमें है? भगवान में है। बाकी हर कोई टेम्पररी आपका दुख दूर करेगा, 10 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, लेकिन जो शाश्वत काल तक आपका दुख दूर कर सकता है वो केवल गुरु और कृष्ण ही है, प्रामाणिक गुरु और कृष्ण ही है, बाकी कोई नहीं। बाकी हम लोग अपना बोलते ना कि प्लग जो है अलग 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 सॉकेट में लगाएंगे, इस ढोंगी गुरु के पास जाएंगे, इस चमत्कारी बाबा के पास जाएंगे, इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, लेकिन वो कोई लोग ऐसे भी वो झाड़ पूछ वाले बाबा के पास भी जाते हैं। तो ये लोग आपका दुख नहीं दूर कर सकते हैं। ये हमें दूसरों को भी समझाना बहुत जरूरी है, जो अगर मासूम है और इस तरह से अटके हुए है तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ जो है प्राधिकारी से ही सुनना पसंद करते हैं। फिर अगला वाला जो योग्यता है किसी श्रोता में,
वो है उसको वक्ता पे जो है बहुत विश्वास है कि ये जो मुझे सिखा रहा है या जो मुझे पढ़ा रहा है, ये जो है वो सिर्फ परम सत्य के बारे में ही बताएगा मुझे, बाकी इधर उधर की कोई लालच देने वाली चीज है या भ्रमित करने वाली चीज है, मुझे जो है बिल्कुल शुद्ध घी ही मिलेगा। मुझे अगर कुछ मिलेगा यहाँ पे तो सिर्फ ब्रांडेड ही मिलेगा, मुझे लोकल कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्रांडेड मतलब क्या, सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्ति के बारे में ही ये वक्ता जो है मुझे बताने वाला है। और जो है वो जो है भक्तों की प्रशंसा भी करते हैं, जो श्रोता गण है वो भक्तों की प्रशंसा भी करते हैं। और जो है बोलते हैं कि जो बारीक सी चीजें है उसका भी बिल्कुल ध्यान रखते हैं, कि जैसे परीक्षित महाराज जो है, ठीक है ना, कि जब कली को जब ये मिल रहा था, दंड मिल रहा था, और परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा कि क्यों क्यों जो है सॉरी सुद नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने पूछा कि क्यों परीक्षित महाराज ने कली जो है कली को नहीं मारा, तो ये जो है वो जिज्ञासा उनमें उत्पन्न हुई। तो उन्होंने बारीक तारीक ऐसे, जैसे परीक्षित महाराज भी पूछते हैं 10वें स्कंद में पूछते हैं कि जब कालिया का दमन हुआ था तो बलराम वहां पे क्यों मौजूद नहीं थे, क्योंकि उस दिन फिर बाद में बताते सुखदेव गोस्वामी कि उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था, इसलिए यशोदा माई ने उसको घर पर ही रोक लिया था। तो ये बारीक सारी चीजें जो है वो हम ध्यान देते हैं और प्रश्न करते हैं, वो बहुत जरूरी है। और जो श्रोता होते हैं वो बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत ही करुणामयी होते हैं, बहुत ही वक्ता के आभारी भी रहते हैं। कि आभारी मतलब कैसे, कि वो यही बता रहे हैं, अभी अगले वाले 22वें श्लोक में बताएंगे कि हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें भगवान की कृपा से आप जैसे वक्ता मिले हैं, तो वो आभार भी प्रकट करते हैं। और करुणा इसलिए क्योंकि ये जो करुणा है, ये जो प्रश्न कर रहे हैं, ये जन कल्याण के लिए ये पूछ रहे हैं, इसलिए उनको जनता के लिए बहुत ही करुणा है। और जो है वो हमेशा जो है क्या है, वो भगवान को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। जितने भी प्रश्न पूछे हैं, ये सारे प्रश्न जो है पूरे 12 स्कंद में धीरे धीरे करके ये प्रश्न खुल रहे हैं और उसके उत्तर मिल रहे हैं। तो सोचे 6 प्रश्न मुनियों ने पूछे और उन 6 प्रश्नों के धीरे धीरे जो है उसके उत्तर खुलते चले गए। और इसलिए जो है बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, बहुत ही, और ये जो है श्रोतागण कभी ना थकते नहीं है। अभी हम लोग 19वें श्लोक में देखेंगे कि वयम तु ना वितृप्त्यम, तो कहते कि हम थकते नहीं है, आप बोलते जाओ। हम क्योंकि 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज और ऋषि मुनियों ने पानी तक नहीं पिया, पलके तक नहीं झपकाई थी, और बिल्कुल लगातार वो सुनते जा रहे थे। और जो है ये जो श्रोता है वो बहुत ही दृढ़ है, दृढ़ निश्चय वाले हैं। श्रोता दृढ़ निश्चय वाले कब होता है, कि लगातार वो सुनने के लिए तैयार है। जैसे हम लोग पुरुषोत्तम महीने में कुछ दृढ़ निश्चय किया है, हम लोगों ने दृढ़ शपथ ली है हम लोगों ने कि नहीं, हम लोग रोज सुबह उठेंगे, इतनी मालाएं करेंगे, रोज भगवान को फूल अर्पण करेंगे, भोग अर्पण करेंगे, आरती करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, तुलसी को जल देंगे, ये सारी हम लोग ने दृढ़ निश्चय किया हुआ है। तो यही दृढ़ निश्चय जो है वो जो है श्रोता भी करता है कि नहीं मुझे सुनना है, 7 दिन 7 रात बिना पलके झपकाए हुए भी मुझे सुनना है। और विनम्र भी है और प्रशंसा भी करते हैं। विनम्र इसलिए है कि वो बार बार सुखदेव गोस्वामी को या सुत गोस्वामी को
बहुत ही आदर सम्मान दे रहे हैं और अपने भाग्य के बारे में कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे गुरु मिले हैं। और प्रशंसनीय इसलिए है कि जितने भी ऋषि मुनि हैं वहां पे जब सुन रहे थे शुकदेव गोस्वामी को या सुत गोस्वामी को भी सुन रहे थे, तो वो बिल्कुल आदर आदर भाव से सुन रहे थे और बार बार उनकी प्रशंसा कर रहे थे। और जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, आभारी है, जिज्ञासु है, कभी थकते भी नहीं है। और जो वक्ता है उसको बार बार प्रोत्साहित करते हैं। तो कैसे बार बार वो जो है वो वक्ता को प्रोत्साहित करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, आप है ना ये हरि कथा चालू रखिए, हमें हम बहुत उत्सुक है सुनने के लिए, हमें और सुनना है और सुनना है, तो इसलिए जो है हम थकेंगे नहीं। और इसलिए जो है वो बार बार कह रहे हैं वक्ता को कि आप सुनाते जाओ सुनाते जाओ, हम बिल्कुल थकने नहीं वाले हैं। और जितने भी श्रोता है वहां पे वो जो है एक शिष्य के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो शिष्य के जो गुण है वो क्या है, जैसे दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय की 41 या 42वें श्लोक में, एक सेकेंड बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। और दूसरा स्कंद, एक मिनट शेयर करती हूँ मैं आपसे, सॉरी। दूसरा स्कंद 9वां अध्याय, सॉरी ये इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट जरूर करूंगी। देखिए तो कहते हैं कि देखिए कि ये जो है भगवान के जो है वो प्रियतम है। प्रियतम यानी बहुत ही प्रिय है। और वो क्या है, अनुव्रत भी है। वो बहुत ही अनुव्रत मतलब क्या, सब कुछ कहना मानते हैं, ओबीडियंट है। और सुश्रुष मानाहना कहते हैं कि ये जो है वो हमेशा तत्पर होते हैं। जो एक शिष्य होता है वो हमेशा गुरु की सेवा करने के लिए वो तत्पर होते हैं। और आगे कह रहे हैं कि एक सेकेंड, इसका प्रशेण, प्रशेण मतलब क्या, बहुत ही विनम्र विनीत व्यक्ति। और दमेन, दमेन मतलब क्या, जिनकी इंद्रियों पे पूर्णतया नियंत्रण है। तो ये जो है ये शिष्य के गुण है कि ये शिष्य, और यही गुण जो है नैमि शरण्य के जितने भी ऋषि मुनि है उन्होंने ये सारे गुण जो है वो क्या किए, वो दर्शाए थे उस समय में। और वो बहुत ही बोलते ना कि आज्ञाकारी भी है और अच्छा व्यवहार करने वाले भी है और विनम्र भी है। तो मतलब अगर आप भागवतम में देखोगे जितने भी श्रोता है और जितने भी वक्ता, क्योंकि जहां पे भागवतम में श्रोता है वहां पे वक्ता भी है, क्योंकि जब तीसरा स्कंद आता है तो उस टाइम पे श्रोता विदुर है, विदुर जी है, और वक्ता जो है वो मैत्रेय मुनि है। और दूसरे स्कंद में जो है नारद मुनि वक्ता है, ब्रह्मा जी श्रोता है, और ऐसे बहुत सारे श्रोता और वक्ता हम लोग जो है वो देखते जाएंगे। क्योंकि ये जो भागवतम की कहानियां है वो एक दूसरे से गुथी हुई है। और सुखदेव गोस्वामी कहानी में चले जाते, कहानी की कहानी में भी चले जाते हैं, तो वहां पे हर बार वो जो है वो श्रोता और वक्ता, श्रोता और वक्ता। और जैसे ही ये जो श्रोता गणों ने कोई संदेश सुना है तो तुरंत ही वो क्या करते हैं, उसको फिर से जाके वो
प्रचार करते हैं। तो आइए, हम लोग ने काफी सारा श्रोता और वक्ता, कल मैंने वक्ता के बारे में बताया था, आज मैंने श्रोता के गुणों के बारे में बताया हुआ है। तो इस सीन के साथ हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं कि श्रोता कैसे होना चाहिए, वक्ता कैसे होना चाहिए, तो हमारे में काफी क्लैरिटी आएगी कि मैं भी वक्ता हूं तो मुझे भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है। मुझे सिर्फ भगवान के बारे में ही बोलना है, बाकी कोई चीज के बारे में जो ऑडियंस है उसको भटकाना नहीं है। ऑडियंस को सीधा भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाना ये हमारी ड्यूटी है। और जो श्रोतागण है वो भी ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो वो भी जो है प्रामाणिक तरीके से भगवान के श्री चरणों तक पहुंचेंगे और उनकी जो है भगवान के लिए जो है वो प्रीति बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हमारे फोरम पे बहुत सारे प्रीति माता जी है, तो उनकी भी भगवान के प्रति प्रीति बढ़ती जाएगी। तो आइए हम लोग जरा आगे का देख लेते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, तो हम लोग अभी 14वें श्लोक पे जा रहे हैं। तो अब ये जो 14वां श्लोक है ये फिर से जो है वो बता ही रहा है कि और क्या गुण होने चाहिए जो है और वो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि 14वें श्लोक में जो है वो अभी जो है हरि नाम की महिमा के बारे में बताने वाले हैं। आपन्न संस्रुतिम घोरम यत नाम विवश गुरुगृणन तत् विमुच्यते यत विभेति स्वयं भयम्। अनुवाद पढ़िए कोई। श्याम सुंदरी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप कृपया प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। तात्पर्य, वासुदेव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वसुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर भी कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चरित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। हरे कृष्ण मानते जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये वाला जो श्लोक है ये हरि नाम की महिमा के बारे में बता रहा है। अब हम लोग रोज माला करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण भी कर रहे हैं और हम लोग ध्यान पूर्वक भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो है पवित्र जो नाम है भगवान का, कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो जो है उसे अगर हम अलग नहीं मानते हैं तो जो है वो हमें क्या करता है, वो भय से मुक्त कर देता है। तो कृष्ण का ये जो दिव्य नाम है, भले ही कोई अनजाने में ले या परिस्थितियों के दबाव में ले या किसी परिस्थिति के दबाव में उच्चारण करे भी, तो ये नाम में क्या पोटेंसी है, ये नाम में ये पोटेंसी है कि वो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटा सकता है, मदद कर सकता है। ये है भगवान के नाम की महिमा। जैसे हम देखेंगे छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड शेयर करती हूँ मैं आपको स्क्रीन। ये हिंदी है, थोड़ा हम इंग्लिश में चले जाएंगे, सॉरी मुझे ना जरा ये, क्योंकि
क्या होता है ना, जब हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हमारा एक्सप्लेनेशन थोड़ा जरा ऑथराइज्ड भी लगता है कि हाँ भाई शास्त्र में जो कहा है हम वही बोलेंगे। देखिए ये वाला श्लोक, ये बहुत फेमस श्लोक है, आपने बहुत बार इसको सुना भी होगा। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्थोभनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष हरम विदुह, अशेष आगह हरम विदुह। तो कहते सांकेत्यम, कोई बिल्कुल बोलते ना कि संकेत कोई देता है और हम उसका उच्चारण करते। पारिहास्यम, अगर हम जो है बोलते ना हास्य परिहास्य में भी, कि हंसते हंसते भी कोई ले रहता, हा ये हरे कृष्ण वाले, अरे रे ये कृष्ण के भक्त, तो भी उसको फायदा है। और स्थोभम, जैसे कई लोगों को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपना जैसे नहीं कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, वो अपना करता है। कोई गा रहा है तो अपना उसको म्यूजिक अच्छा लगा तो उसने गा लिया। हेलनम, कोई बोलते ना कि ध्यान ना देते हुए भी ऐसे ही उसने, किसी ने बोला हरे कृष्ण, उसने भी हरे कृष्ण बोल दिया, तो भी उसको बोलते हैं, उसको क्या मिलने वाला है, उसको लाभ ही मिलने वाला है। और एव सर्टनली, मतलब निश्चित रूप से उसको क्या मिलने वाला है, उसको लाभ ही मिलने वाला है। नाम ग्रहणम, कब, जब वो ये नाम ग्रहण करता है, और उसको क्या लाभ मिलता है, अशेष अघ हरम, जितने भी जो है पाप है, असीमित पाप है, जितने भी जन्म के, तुरंत ही नाम लेते ही जो है वो मिट जाते हैं उसके। और फिर जो है वो क्या करता है, वो विदु, उसको जो है वो प्रगति करता है भक्ति में। तो देखिए कितना ये प्रभावशाली है ये नाम, भगवान का जब कोई नाम लेता है तो कितना प्रभावशाली है ये, कि किसी भी व्यक्ति के कितने भी चाहे पाप हो, वो क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। तो आइए हम लोग जो है आगे का श्लोक पढ़ते हैं। तो ये है 14वां श्लोक, जो है वो हरि नाम की महिमा बता रहा है। आइए हम लोग 15वें श्लोक पे चले जाते हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई जस्ट गॉट लॉस्ट समवेयर। अब ये जो 15वां श्लोक है ना, ये भक्तों के बीच में और गंगा के बीच में तुलना बताई गई है। यत पाद संचरय सूत मुनय प्राश मायना सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वधूर्नि आप अनुसेवया। प्रीति माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरणों के चरणों की चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर देता है। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घ काल प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रति निधि होने का द्योतक है, अर्थात जो भी
व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि वे भगवान के गोहतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार करते हैं जिन्हें भगवान अपने भवधाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो इसमें एक्चुअली बताया गया है कि जो भक्तों के बीच में और गंगा के बीच में, तो गंगा गंगा में अगर कोई डुबकी लगाता है तो उसके पाप जो है वो थोड़े थोड़े लेट जो है वो कटते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्तों का संग लेता है तो तुरंत ही लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, एक सेकंड का भी जो है वो जो है क्या बोलते हैं, एक सेकंड का भी जो संग लेते हैं तुरंत ही जो है उनको क्या मिलता है, उनको जो है लाभ मिलता है भक्तों का संग करने के, तुरंत ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे आप देखिए नारद मुनि जो है वो जब भी जो है किसी को भी जो है वो संग देते थे तो तुरंत ही क्या होता था, वो व्यक्ति भक्त बन जाता था। तो ये है नारद मुनि का पावर, शुद्ध भक्तों का पावर, और इसीलिए नारद मुनि को भक्ति शक्ति कहा गया है। भक्ति शक्ति मतलब क्या कि नारद मुनि लव मात्र एक सेकंड के लिए भी किसी को अपना संग देंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे। और हमारे आचार्य गणों ने भी कहा गया है कि गंगा र पार होइले पाश्चाते पावना दर्शन पवित्र करो ए तुमार गुना ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो कहते हैं कि आपके सिर्फ दर्शन मात्र से ही, आपने हमसे बात किया नहीं किया, सिर्फ आपके दर्शन मात्र से ही हम तुरंत ही पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हमें शुद्ध भक्तों से सुनना बहुत जरूरी है। जैसे मेरा एक नियम है कि मैं रोज प्रभुपाद का एक लेक्चर सुनती हूँ, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो मुझे वो लेक्चर सुन के बहुत पावर मिलती है प्रचार करने के लिए। तो वो जैसे एक लेक्चर में प्रभुपाद का सुनती हूँ, क्योंकि प्रभुपाद की जनरली लेक्चर्स जो होते हैं वो आधे घंटे के होते हैं, और एक लेक्चर में अपने गुरु महाराज का सुनती हूँ। क्योंकि अगर हम गुरु महाराज के लेक्चर सुनते हैं तो हमारे में ना उनकी जो आज्ञाओं के पालन करने में विनम्रता मिलती है कि हाँ मुझे उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, जरूर करना है। ये गुरु है, ये वो गुरु है जिन्होंने मेरे सारे पाप ले लिए हैं। मेरे माँ बाप भाई बहन पति बच्चों ने मेरे पाप नहीं लिए, लेकिन मेरे गुरु ने जो है मेरे पिछले जितने भी जन्मों के पाप है वो बिल्कुल लेकर जो है उसको जीरो कर दिया और मुझे एक नई जिंदगी दी हुई है भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो उन्होंने मुझे ये शुद्ध मार्ग बताया हुआ है भक्ति का, तो फिर मैं उनके कृतज्ञ हूँ। और उनके जो आदेश है, अभी गुरु के भी क्या आदेश होंगे, ये नहीं कि चलो आओ मेरे हाथ पैर दबाओ और मेरे लिए ये फैसिलिटी लो वो, नहीं। गुरु भी चाहते हैं कि आप भगवान की ही सेवा करो। गुरु का भी यही कहना है कि अब रोज माला करो, भगवान की माला करो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान की कोई प्रैक्टिकल सेवा करो। गुरु भी आपको वही कहेंगे। गुरु ये नहीं कहेंगे कि चलो चलो सिर्फ मेरे लिए कोई कोई महल बनाओ या मेरे लिए कोई सुख सुविधाएं बनाओ, नहीं। गुरु की ये जो है वो बोलते हैं ना कि गुरु की ये कोई इच्छा नहीं होती। गुरु की यही इच्छा होती है कि वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके शिष्य भी भगवान को प्रसन्न करें। तो ये है हमारा जो है ये 15वां श्लोक है जहाँ पे शुद्ध भक्त और गंगा के बीच में तुलना की गई। आइए हम लोग आगे जाते हैं। और जो है ये वाला जो श्लोक है वो कह रहा है कि को वा भगत भगवतस्य पुण्य श्लोक इडय कर्मणा शुद्धि कामन शुणुयात यश कली महा अपहम।
ललिता कुंड माता जी, मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज पढ़िए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ललिता कुंड माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है माता जी? यस यस सुनाई दे रहा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा माता जी, हमको सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, इस कलह प्रधान युग के पापों के उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो माता जी सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, शायद ना आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, कहीं इस ऐसी एरिया में आइए जहां पे आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग हो माता जी। जी जी जी, मैं तब तक ईश्वरी माता जी को कहूंगी कि प्लीज पढ़िए जरा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशो को सुनना नहीं चाहेगा? तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद, कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है, और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लंघ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो जो कोई भी शुद्धि काम मतलब जिसकी जो है इच्छा है शुद्ध बनने के लिए, और जो इस कलयुग के जितने भी जो है दुष्परिणाम है, तो वो जो है ये कलयुग के दुष्परिणामों से वो कैसे बच सकता है? जब वो भगवान के गुणगान सुनेगा, तब ये कलयुग के दुष्परिणामों से वो बच सकता है। तो ये जो है अब ये जो है व्याख्या दी गई है। अभी 17वें श्लोक से जो है फिर से जो है ऋषि मुनि जो है वो प्रश्न कर फिर से पूछना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारे कंटिन्यूएशन में ही बोल रहे हैं जो है सूत गोस्वामी। और अब ऋषि मुनियों ने जो है वो अगला प्रश्न पूछा है, वो चौथा प्रश्न पूछा है। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा है। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरीभिः ब्रूहि श्रद्धानानां लीलया दधत कला। प्रीति माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। भगवान सभी कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसे कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा
तथा भव्य हैं, उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। उनका गुणगान शील नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, माधव्य, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु, स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों तथा स्वरूप प्रसिद्ध स्वप्रसिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सुंदर, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद रूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टि कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती है और उनकी तुलना सिनेमा से भी की जाती जा सकती है। वे उन अल्पज्ञ एक मिनट एक हम लोग ना जरा मैं किसी और को भी चांस देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके हरे कृष्णा माता जी। प्रियंका प्लीज रीड फ्रॉम मी। हरे कृष्णा। वे उन उल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को भी सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है उन्हें वे अवतार ले करके अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत करते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगीत के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर आध्यात्मवादी होता है जो सात्वत या भक्त कहलाता है और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में ना ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वह तो भगवान की वास्तविकता सेवा में तत्पर रहता है जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। थैंक यू। अनीता अरोरा माता जी मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ तो आप पढ़िए माता जी अगले वाले पैराग्राफ से। ओ आधा ही पैराग्राफ लेंगे, कोई बात नहीं, पढ़िए माता जी यहाँ से। हरे कृष्णा माता जी। हाँ सुनाई दे रहे हैं माता जी, पढ़िए जी माता जी। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतएव वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। माता जी अपने आपको अनम्यूट मत कीजिएगा, थोड़ा अगला वाला भी मैं पढ़ने देने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो अब 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान की जो दिव्य लीलाएं है, जो लीला अवतार, क्योंकि 17वें श्लोक में बोले भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए, जो है वो जो हम लोग आगे देखेंगे 3रे अध्याय में सारे पुरुष अवतार और लीला अवतारों के बारे में देखेंगे। बोले कि अब जो है आप भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताइए। तो कह रहे हैं कि
अथ आख्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदत स्वरेम ईश्वरस्य आत्ममायया। पढ़िए माता जी। जी माता जी, हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याण प्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तात्पर्य, भौतिक जगतों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, थैंक यू। फिर अगला कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, अब बोलते जाओ बोलते जाओ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। कहते वितृप्यम मतलब हम संतुष्ट नहीं है, तृप्त हो जाएंगे। आप बोलते जाओ तो हम बाद में तृप्त हो जाएंगे, अभी हम लोग इतने तृप्त नहीं हुए। जितना आप बोलते जाओगे उतनी हमारी भूख बढ़ती जाएगी। तो यह है भगवान की लीलाओं को सुनने का जो है ना चमत्कार जिसको कहते हैं। ललिता कुंड माता जी, अभी आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ठीक है तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। माता जी पढ़िए आप। ललिता कुंड माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अभी सुनाई दे रहे हैं। पढ़िए पढ़िए। ठीक है, अनुवाद। हम स्तोत्रों तथा स्तुतियों से यशोगान किए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं को हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं है। माता जी मेरा पुराना कैंटो है, मैं उसमें से पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैं मोबाइल से पढ़ रही हूँ। स्क्रीन पर से प्लीज पढ़िए माता जी, क्योंकि हाँ ठीक ठीक है ठीक है माता जी। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तात्पर्य, लौकिक कहानियां कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख है। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई चाहे तो भगवद गीता या श्रीमद भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वतः भिन्न होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे जो जो और पढ़ा जाता है त्यो त्यो यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं है वे परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है जबकि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। तो हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली है और क्यों भाग्यशाली हुए हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये भागवतम लिखा है और हमें भाग्यशाली बनाया है। मतलब हमारी कोई योग्यता नहीं थी भाग्यशाली बनने की, लेकिन हम लोग जो है अभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं
ये भागवतम को समझने के लिए या भगवान को समझने के लिए या हमारी जो भक्ति वो बढ़ाने के लिए, तो ये जो है हम लोग बहुत ही भाग्यशाली प्रभुपाद की कृपा से है। इसलिए हमें प्रभुपाद को बहुत बहुत आभार मानना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि प्रभुपाद थैंक यू, आपने कितना अच्छा ग्रंथ लिखा है। और आप देखोगे कहीं कहीं जगहों पे प्रभुपाद ने बहुत ही विस्तार में समझाया हुआ है, कुछ कुछ लोगों को तो बहुत विस्तार में समझाया हुआ है, करीबन भागवतम के तीन तीन चार चार पन्ने लिए प्रभुपाद ने समझाने के लिए। इसलिए कहते हैं ना प्रभुपाद जो है वो सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी सारा टाइम लिखने में निकाल देते कि बद जीवों को कौन सा सेंटेंस में लिखूंगा, कौन सा वाक्य लिखूंगा मैं जिसके माध्यम से वो भगवान से आकर्षित हो जाए, ऐसा कुछ भी लिखूंगा। तो प्रभुपाद ने कहता कि कोई भी व्यक्ति एक लाइन, एक शब्द, एक पैराग्राफ, मतलब एक एक अध्याय, एक पन्ना कोई बनेगा, वो निश्चित रूप से जो है वो कृष्ण भावनामृत बन सकता है। और ये मैंने अपने जीवन में भी देखा हुआ है कि जब हम लोग प्रचार करने निकलते हैं, किताब वितरण करने निकलते, तो हम लोग ये एक्सरसाइज जरूर करते हैं कि उनको कहते कि एक पन्ना पढ़ो आप, और बहुत सारे ऐसे लोग जो है सिर्फ एक एक पन्ना पढ़ के लोग भक्त बने हुए हैं, तो और दीक्षित भी हो गए हैं, मतलब हमसे जुड़ के वो लोग दीक्षित भी हो गए। तो ये मैं इस चीज पे प्रभुपाद की इस चीज पे, ये जो इनकी जो वाक्य है ना, मुझे अधिक विश्वास है इस बात पर कि कोई भी एक वाक्य का एक शब्द भी पढ़ेगा तो वो निश्चित रूप से वो भक्त बन जाएगा। तो आइए हम लोग 20वां श्लोक लेते हैं कि 20वें श्लोक में एक्चुअली भगवान की जो है वो कहते हैं कि उनकी क्रियाओं के बारे में वर्णन किया हुआ है और गुणगान किया हुआ है। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्याद अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। लता ईश्वर माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप कृपया पढ़िए ये वाला अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की, और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्मसंयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था, अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे, वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहां उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम जी, जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव के अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म के दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है, और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को ज्यों ज्यों कोई पढ़ता है, त्यों त्यों यह सब ज्ञात होता जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान
देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अतिमानवीय हैं। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक और ये सारे कार्य उन्हें उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथा कथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आगे अभी हमारे पास ना ये अध्याय समाप्त करने के लिए सिर्फ 3 श्लोक है, तो पहले मैं एक्चुअली पोल लेना चाहूंगी कि क्या हम आगे बढ़े या फिर यहीं पे विराम दे, क्योंकि कल शायद मैं नहीं लेंगी, क्योंकि संडे को थोड़ा छुट्टी देंगे, 1 दिन का हम लोग विराम लेंगे और फिर हम लोग सोमवार को मिलेंगे। तो 3 श्लोक बचे हैं इस अध्याय को कंप्लीट करने में, तो आप लोग क्या कहते हैं? विभा माता जी कह रही है नहीं, प्रियंका माता जी कह रहे हैं हाँ। 3 श्लोक आप शायद खत्म कर ले हैं, बाकी सबका भी छोटे छोटे ही है। उसमें यही बताया है कि सुनने पे ही है सारा, और वो गुणगान करे कि आप हमारे बोट के कैप्टन हो, आप आगे बताते जाओ। और फिर 6ठा वाला प्रश्न इसी वाले अध्याय में वो पूछ रहे हैं लास्ट श्लोक में। आप लोग अपना हाथ ऊपर कर सकते अगर हाँ है, और ऐसा कर सकते अगर ना है। ईश्वरी माता जी कह रही है हाँ, प्रीति मोकाशी माता जी कह रही है ठीक है, बिना विलंब किए हम शुरू कर ही देते हैं, ठीक है चलो। कलितम आगतम आज्ञा क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसिना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। प्रिया तुलसियानी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जी। हरे कृष्णा। ये भली बात ही जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तात्पर्य, सतयुग, स्वर्ण युग अथवा रजत तथा ताम्र युग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति ये कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तब तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा, और द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की ही है, और जो वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1,000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया और यह भी बतलाया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का, प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेशों का प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो अगला कहते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको मिले हैं। आप जो है वो हमारे जो है कहते कि हमारे
नाव के कर्णधार है, कैप्टन है। तो आइए देखते हैं। त्वम ना संदर्शते धात्रा दुस्तरम निस्तितिष्टताम कलिलम सत्वहरम पुंसा कर्णधार इवा इवार्णम। प्रीति मोकाशी माता जी आप पढ़िए जरा, एक सेकेंड, आपको अनम्यूट किया है माता जी मैंने। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ्य सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। तात्पर्य, कलयुग मनुष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भुला चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी, लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंध में दी गई है। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त है कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते हैं कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। समुची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथा कथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद्म चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और श्री सूत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवत या भगवद गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत स्पष्ट रूप से आपने पढ़ा। फिर आगे वो कह रहे हैं कि अब जो है ये जितने भी धर्म के जो सिद्धांत है, उन्होंने किसकी यहाँ पे शरण ली है, जब भगवान इस धरातल से जा चुके थे अपने परम धाम में। कह रहे, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मण्ये धर्म वर्ण वर वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुना उपेते धर्म कम शरणम गत। रसिक कृष्ण प्रभु, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज पढ़िए। कृष्ण, चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाग कर चुके हैं, अंतेव कृपा करके हमें बताए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य, धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उनकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने हेतु श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, आपको कंक्लूड किया, मतलब इसको इस चैप्टर को पूर्ण किया।
और अभी सोमवार को जब हम मिलेंगे तो हम लोग दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे। दूसरा अध्याय जो है वो रस से भरा पड़ा हुआ है, मतलब इतना रसशाली है दूसरा अध्याय कि आप एक एक श्लोक पे आप बोलोगे, ऐसे बोलते ना हाय मैं वारी जाओ, हाय मैं वारी जाओ, मतलब इतना मीठा और रस से भरा है दूसरा अध्याय। और ये मेरे लिए ये बहुत प्रिय अध्याय है क्योंकि इसमें से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है मुझे और अपने जीवन में उतारने के लिए मुझे मौका मिला हुआ है। तो अगर भागवतम में कह रहे हैं ना कि ये वाला जो श्लोक है, मैं अगर अगर कभी पढ़ना चाहती तो मैं बार बार यही अध्याय पढ़ती हूँ, मुझे बहुत बहुत प्रिय है ये अध्याय। तो सोमवार से हम देखेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ हम मिलेंगे, ये दूसरा अध्याय जो है इसकी तरफ हम लोग मुड़ेंगे, क्योंकि अब जो है सूत गोस्वामी जो है वो मुनियों के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देना शुरू करते हैं। और अब देखिए उत्तर में इतने अच्छे अच्छे उत्तर देते हैं जो आपके दिल को सीधा भगवान के प्रति आकर्षित करने वाला है। ये अध्याय अगर पढ़ के कोई आकर्षित नहीं हुआ भगवान के प्रति या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो है वो नहीं है, तो मतलब उसको बारंबार पढ़ना चाहिए फिर ये अध्याय कि अरे बाकियों को तो मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिला। तो पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो और आपको भगवान के प्रति निश्चित रूप से जो है वो और प्रीति और प्रेम और समर्पण भाव निश्चित रूप से जागृत होगा। तो मैं आप ये कहकर मेरी वाणी को विराम देती हूँ, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ईश्वरी कमला माता जी, हाँ आप पूछ सकते हो, मैंने शायद सबको अनम्यूट कर दिया है। हाँ पूछ सकते हैं माता जी। जी ये ना 16 श्लोक में आज जी बोल रहे हैं कि जो भगवत भक्ति में लगे हैं उन्हें आत्म से लगा की कोई इच्छा नहीं है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं माता जी, आत्म से लगा की कोई इच्छा नहीं है? हाँ उनको जो है जो है ना 16वें श्लोक में एक सेकंड कौन से इसमें लिखा हुआ है माता जी लाइन में? ये तात्पर्य माता जी फोर्थ टू फिफ्थ लाइन थी शायद, मैंने पढ़ा था। जो भगवत गति में लगे उन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और कर्मों के फल तथा सूक्ष्म दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वे जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। अरे इसका एक्चुअली क्या है ना कि अगर हम देखेंगे ना तो आत्मश्लाघा मतलब क्या है ना कि एक सेकेंड ना माता जी, एक सेकेंड। हाँ तो कहते हैं कि एक्चुअली आत्मश्लाघा को जो है ना इसमें कहा गया है कि स्वतः की यानी खुद की ही जो है खुद की इंट्रोस्पेक्शन या बोलते ना कि खुद का ही रिफ्लेक्सिव एक्शन जिसको बोलते हैं कि खुद की ही वो उन्नति है या खुद की ही बोले विवर्धन है, तो उसके लिए जो है वो तरक्की के लिए वो है वो बोलते कि वो लोग जो है जिसके पास उन्नति की करने के लिए कोई ये नहीं है, मतलब आगे धन कमाना है या और धन कमाना है ये सारी चीजें ना उनको एक्चुअली नहीं होती है। जिन लोगों को भगवान की भक्ति में ही केवल इंटरेस्ट है और ये सब चीजें जो है ना धर्म अर्थ काम मोक्ष जो इन सब चीजों से मुक्त है या
जो दार्शनिक कहते हैं ना फिलोसॉफिकल नॉलेज से जो बिल्कुल मुक्त है और जो है वो जटिल बंधनों से भी मुक्त है। जटिल बंधन मतलब क्या? ये जटिल बंधन यही है कि हम जब संसार में रहते हैं तो हमारे जितने भी सगे संबंधी ये हमारे लिए चीजें और जटिल बनाते जाते हैं जब हम उनके प्रति आसक्त होते हैं। अब आप मुझे पूछोगे कि क्या हम अपने बच्चों से आसक्त ना रहे? आसक्ति में और सेवा करने में बहुत फर्क है। तो आप अनासक्त होके भी उनसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि अनासक्त होके कैसे कि आपको समझना है कि ये भगवान के ही बच्चे हैं, मैं उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा करूंगी ताकि यही भगवान को वापस भक्ति करे और भगवत धाम पहुंचे। तो इस तरह से हम अपने परिवार वालों से ध्यान पूर्वक प्रेम करेंगे ये समझ के कि ये सभी जो है वो भगवान के अंश है, तो और ध्यान पूर्वक हम उनकी सेवा करेंगे। तो सेल्फ एग्रेडाइजमेंट मतलब कि बहुत उन्नति नहीं करना है, मतलब उनकी कोई इतनी इच्छा नहीं है कि हम और उन्नति करें और पैसे कमाए और माया में लिप्त हो और इंद्र तृप्ति करने में लिप्त हो। तो माता जी इसका ये है। ठीक ठीक जी। वैसे भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो जितना भौतिक रूप से जितना उन्नत है वो भक्ति में उतना ही पिछड़ा हुआ समझना चाहिए उसको। उतना ही पिछड़ा। एक और एक पूछ सकते माता जी? या हाँ माता जी पूछिए। माता जी ये ना ये श्लोक नंबर 19 में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ना दिव्य समाचार गतिशील होते हैं और जो भौतिक समाचार होते हैं वो गतिहीन होते हैं। गतिशील कैसे मतलब? गतिहीन तो ये है कि उनका कुछ आज जो घटना हुई वो खत्म हो गई, मतलब बात खत्म हो गई। लेकिन ये दिव्य समाचार कैसे गतिशील होते हैं माता जी, इसे कैसे समझें? गतिशील मतलब वो आपको भगवान की ओर ले जा रहे है, वो बहुत स्पीडीली आपको भगवान की ओर ले जा रहे है। और जो बाकी समाचार है वो गतिहीन है, वो आपको जो है वो भगवान की ओर नहीं ले जा रहे हैं। आपकी जो स्पीड है भगवान की तरफ जाने के लिए वो तुरंत ही बढ़ाएगी। जैसे अभी देखो एक हफ्ते से हम लोग जो है ये भगवान यानी 6 दिन तो कम से कम हुए हैं, तो इतने 5-6 दिन से हम लोग ये सुन रहे हैं, तो क्या हम उत्साही नहीं है भगवान के बारे में सुनने के लिए? या मैंने और आपसे 20 मिनट और मांग लिए और फिर भी आप फोरम पे हो, फिर भी आप ऑनलाइन पे हो, जूम पे है ना? तो ये है उत्कंठता कि नहीं हमें और सुनना है, हम अभी अभी जो है हम तृप्त नहीं हुए हैं, हमें भगवान के बारे में और सुनना है। प्रभुपाद के तात्पर्यों में से मुझे कौन सा ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जिसके माध्यम से मेरा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ेगा? तो इसलिए आप देखो बाकी जितनी भी जो है ना न्यूज है वो बासी खबर है, आज है कल नहीं है। और न्यूज वाले भी हमेशा एक ही नहीं बताते ना, वो भी मिर्च मसाला लगा के नई नई चीजें बताते रहते हैं, आज इधर ये हुआ उधर वो हुआ है ना, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। लेकिन हमारे पास ढूंढने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारे पास ऑलरेडी आचार्य ने ढूंढा हुआ है और हमें पढ़ना है और अपने जीवन में उसको उतारना है। ठीक है ना माता जी? थैंक यू माता जी। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, मैं अपनी वाणी को ये विराम देती हूँ। रसिक कृष्ण प्रभु कुछ पूछना चाहते थे, सॉरी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे इधर पुरुषोत्तम जो मंदिर है ना हमारे नजदीक ही, पुरुषोत्तमपुरी जो का मंदिर है ना हमारे नजदीक ही है, तो उधर हम जाने वाले बहुत सारे। अच्छा 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 अच्छा, चलो अच्छा है प्रभु जी, बहुत बढ़िया, आपकी भक्ति और आगे बढ़े। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा। हम लोग सोमवार को अब मिलेंगे, ठीक है? मैं वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी।